नमस्कार दोस्तों, सविताज किचन में आपका स्वागत है। मैं बना रही हूँ मैंगो जैम। इसे बनाने के लिए पहले कैरी को छील लेंगे। कैरी के टुकड़े कर लेंगे। कैरी को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है, गैस ऑन कर दी है। और अब इसमें एक चम्मच शुद्ध घी डालेंगे। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब इसमें कैरी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि खट्टा मीठा अच्छा लगता है। तेल अब इसमें एक कप पानी डाल देंगे। एक कप से थोड़ा कम पानी डालेंगे और इसे ढक कर रख देंगे नरम होने के लिए। ये बॉईल हो गई है और नरम हो गई है। इसका पानी पूरी तरह से सूख चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम शक्कर। इसके साथ ही डालेंगे दो चम्मच पानी। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसके बारीक टुकड़े पिस जाएं। अब इसे लगातार चलाते रहें। देखिए इसमें छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं। इसे बारीक नहीं पीसा है। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, बस थोड़ी सी चीज़ों में बनाती हूँ। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, प्लेट में डाल के देखते हैं। ये देखिए प्लेट में जम रहा है, ये फैल नहीं रहा है चारों तरफ, इसका मतलब ये तैयार है। ये देखिए बनकर तैयार हो गया मैंगो जैम। कैरी का स्वादिष्ट जैम बनना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने बहुत सरल तरीके से बनाया है, इसमें सिर्फ दो चीज़ों से बनाया है। तो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही कमेंट करिए। धन्यवाद।